नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बेगूसराय के तेहरा में हिंदू सनातन धर्म के अनुसार बैसाखी पूर्णिमा, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष खास महत्व होता है। मान्यता अनुसार इस दिन गंगा स्नान के विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान एवं पूजा अर्चना के बाद दान करने से जन्मों के पापों से मिलती है मुक्ति, साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी का वास होता है। 16 मई सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए तेहरा के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे अधिक मिथिला अयोध्या गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए तेहरा के विभिन्न गाँव के अलावे भगवानपुर, बछवाड़ा, मंसूरचक, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल तक के श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। इस मौके पर गंगा स्नान कर शारीरिक मानसिक सुख और मोक्ष की कामना के साथ गंगा स्नान करने के लिए सुबह 3 बजे से हर हर गंगे के जयकार से पूरा क्षेत्र भक्ति से विभोर हो रहा था। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस गंगा घाट के अलावे चिमनी घाट, बजलपुरा घाट, सूर्य नारायण बोल्डर घाट एवं अन्य घाटों पर हजारों की संख्या में सुबह से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते रहे। श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ ही दान पुण्य भी करते दिखे गए। गंगा के घाटों पर अनेक दंपतियों अपनी अपनी संतानों का मुंडन संस्कार भी करवाया। गंगा धाम पर लगे दर्जनों दुकानों से जमकर खरीदारी भी की गई। सुबह से ही गंगा घाट जाने वाले सभी रास्तों में दिन भर श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखी गई। ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री ने बताया कि इस दिन गंगा स्नान कर वस्त्र आभूषण, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, ऋतु, फल, दक्षिणा और जल पात्र आदि का संकल्प लेने और दान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा पुण्य का भागी लोग होता है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।